मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी और तमाम AICC के डेलीगेट्स, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे, इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और 3 दिनों से चर्चा चल रही है। इसके बारे में मैं कुछ एक दो अपनी बातें कहना चाहती हूँ। ख़ास तौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो देश भर में हैं लेकिन आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है? वो अनोखे लाल है जो इस झंडे को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। वो दिनेश है जो आज दिख नहीं रहा है, जो इसी तरह से देश के ध्वज को लेकर नंगे पांव चला। कल किसी ने नसीब पठान जी का नाम लिया, उत्तर प्रदेश के एक नेता थे, आजीवन कांग्रेस के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई। उसी तरह से मैं कई नाम ले सकती हूँ। कल जब शोक प्रस्ताव हुआ, ईश्वर चंद शुक्ला जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ईश्वर चंद शुक्ला जी, उनको टिकट नहीं मिला चुनाव में, फिर भी वे प्रचार किए और प्रचार करते करते उनका देहांत हुआ। मैं पच्चू पासी का नाम ले सकती हूँ जो रोज़ सुबह वही सफ़ेद जूते पहनकर गांव-गांव जाते थे, कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, कांग्रेस का झंडा फहराए रखे, उनका भी देहांत हुआ। यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफरर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता हैं ये समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, वो, मैं आज थोड़ा उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं, और ये सही है। हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज़ पे नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाएं, ब्लॉक-ब्लॉक जाएं और अपने संगठन को मजबूती से बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई। जो बहुत समय से नहीं हुआ था उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। देश भर से लोग आए, कन्याकुमारी में आए, केरल में आए, मध्य प्रदेश में आए, हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ आए। जब कश्मीर में थे तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी, यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे हम। उन महिलाओं ने मुझे कहा कि 3 सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है। जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहाँ जहाँ हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा? ये कांग्रेस पार्टी इन 3 दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है, जैसे किसानों के लिए, मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तरह हमें किसानों के लिए एक योजना बनानी है। तो ये सब बातें पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम है और इसमें आपकी बहुत अहमियत है। तो एक साथ हमें काम करना पड़ेगा, चाहे महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे ये समझाना कि जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी 2-3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है, नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, किसानों को कर्ज माफ नहीं होते लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ एक साल बचता है, हमसे उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है आज, और मैं जानती हूं कि हम इस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं कि आपकी मेहनत से, हमारी मेहनत से, हमारी एकजुटता से, हमारे समर्पण से और अपने संविधान के प्रति हमारी निष्ठा से हम सब इस काम को करके दिखा सकते हैं। तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आप नए लोगों को जोड़िए। नए लोग जुड़ते कैसे हैं? विचारधारा से जुड़ते हैं, जज्बातों से जुड़ते हैं और आपका मिसाल देख के जुड़ते हैं। तो हमें मिसाल बनना चाहिए कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी राजनीति करनी है। जब जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं जिससे जनता का कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रही हूँ कि मतलब नहीं है? क्योंकि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए कि किस तरह से विकास होगा, भविष्य में हम क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, कौन सा सकारात्मक कदम हम उठाने जा रहे हैं। ये हमारी राजनीति होनी चाहिए। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे, क्योंकि हम मजबूत हैं। आज भी अगर आप सब यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है कि आप पार्टी के प्रति समर्पित हो और आप निडर हो। हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने दमन किया है। आज भी, कल भी छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी हमारे नेता खड़े हैं, आज भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। और मैं जानती हूँ कि आपका संघर्ष क्या है। अगर हमें पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए बुलाया जाता है तो आपको जेल में महीनों के लिए रखा जाता है। अगर हमें पुलिस घसीट के ले जाती है तो आप लाठियां खाते हैं। तो हम जानते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। अब देश को भी ये हिम्मत दिखानी है, देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।